पे आते हैं, आपके जो होता है 60 नंबर की लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज में आपको तीन भाषा, बहुत सारी भाषाएं होती हैं, लेकिन अपन कॉमन वे में बात करें, ज़्यादातर जो कैंडिडेट लेते हैं उनमें से दो भाषाएं सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत। इसके अलावा पंजाबी सिंधी वगैरह भी ले सकते हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, वो सभी ले सकते हैं, लेकिन जनरली मैं तीन भाषाओं की बात करूंगा, हिंदी इंग्लिश और संस्कृत। उसमें से दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा और बिल्कुल सही सजेस्ट करूंगा, वो ये है कि अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि अगर आपके बीएड में हिंदी है, बीएड में आपके सॉरी ग्रेजुएशन में आपके हिंदी साहित्य सब्जेक्ट रहा, तो आप लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी का चयन कीजिए और लैंग्वेज सेकंड के रूप में आप संस्कृत का चयन कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत का ही चयन करना, क्योंकि हिंदी की कट ऑफ हाई जाती है और संस्कृत आपको स्कोर करेगा, प्लस हिंदी और संस्कृत का जो व्याकरण है वो सेम ही होता है, तो आपको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अगर आपके ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर रहा है, तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में तो हिंदी को ही सेलेक्ट करना है, लेकिन लैंग्वेज सेकंड के रूप में आपको अनिवार्य रूप से इंग्लिश का चयन करना है। अगर आपके रिट में इंग्लिश नहीं हुई तो आप इंग्लिश के टीचर नहीं बन पाओगे, इसलिए आपको इंग्लिश को ही लेना है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके एसएस सब्जेक्ट है, यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ऐसे कुछ सब्जेक्ट रहे हैं आपके ग्रेजुएशन ईयर में, तब आपको लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी का चयन करना है और लैंग्वेज सेकंड के रूप में आपको संस्कृत का ही चयन करना है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया है एसएस के बावजूद, तो ही इंग्लिश का चयन करना है, लेकिन ज़्यादातर आप कोशिश करना कि संस्कृत का ही करें, क्योंकि वो स्कोरिंग होती है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स होना, कंपटीशन में यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके जितने कैंडिडेट्स को पछाड़ सके वो पछाड़े। तो अब भाषा फर्स्ट की बात करते हैं, हिंदी, इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, 30 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, लक्ष्य की गाइड जो आती है रिट के लिए, उसमें दो गाइड आती है, एक तो जो सामाजिक अध्ययन की या विज्ञान गणित के लिए होती है और एक औषधि मनोविज्ञान। दूसरी गाइड जो होती है वो उसमें लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज वाले जो गाइड है वो लेनी है आपको, आप बुक शॉप पे जाएगा आपको आराम से मिल जाएगी। उसमें जो हिंदी भाषा फर्स्ट, हिंदी भाषा फर्स्ट ध्यान रखिएगा, उसका जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स दिए उनको पढ़ लीजिए आप, ठीक है, उनको समझ लीजिए, और जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए चैप्टर के बाद उनको मिला लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना दोस्तों, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की नवीन हिंदी व्याकरण की किताब आती है, जिसमें व्याकरण के टॉपिक जो आपके लैंग्वेज फर्स्ट में है वो अच्छे से दिए हुए हैं, तो उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ये बुक मात्र आपको 35 से 40 रुपये मिल जाएगी और बहुत ही अच्छी बुक्स है। आगे भी कोई एग्जाम फाइट करेंगे सेकंड ग्रेड वगैरह या फिर फर्स्ट ग्रेड का भी आप करेंगे, तो उसमें भी व्याकरण के टॉपिक आप इसमें से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मानक बुक है, तो कोर्ट वगैरह में अगर कोई क्वेश्चन चैलेंज होता है तो उसमें भी आप इससे रेफरेंस बुक का सारा ले सकते हैं। तो आप ये जो है चीज़ें जरूर कीजिएगा लैंग्वेज फर्स्ट के लिए। तो ये जो हमने अभी तक कह सकते हैं कि 60 क्वेश्चंस की बात कर ली है और 60 मार्क्स जो हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा लैंग्वेज फर्स्ट में शिक्षण विधियों के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, तो उसको लेकर हम लास्ट में ही हम जितने भी लैंग्वेज के जो शिक्षण विधियों के क्वेश्चन, उसके लिए अलग से एक मतलब डिस्कस करेंगे कौन से बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। अब आते हैं दोस्तों लैंग्वेज सेकेंड के रूप में, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप के ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट हैं और आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश की वैकेंसी ज़्यादा आती हैं, कट ऑफ भी कम रहती है, तो इंग्लिश का ही चयन कीजिएगा। अगर आपकी ग्रेजुएशन में इंग्लिश हैं तो ही, इंग्लिश में भी वही हैं, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश का मैंने इसलिए कहा क्योंकि ग्रेजुएशन में आपकी इंग्लिश है, इसमें क्या होगा आपको थोड़ा वो आपको इंग्लिश लिटरेचर वाली फीलिंग आएगी, ठीक है, तो आपको आसानी होगी। इसके लिए भी आपको वही करना है, लक्ष्य गाइड फॉर रिट लेनी है, ठीक है, उसमें जो इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज का सिलेबस और चैप्टर्स वगैरह दिए हुए उनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद उत्कर्ष क्लासेज के ऑनलाइन वीडियो हैं इस पर, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा आप। पहले आपको लक्ष्य गाइड से ही पढ़ना है, उसके बाद उत्कर्ष ऑनलाइन की जो वीडियो प्रैक्टिसेस हैं उनको देखना है, ठीक है, और उसमें से जो वहाँ पे आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में समझाया हुआ होगा तो वो आप प्रैक्टिस करना है, कुछ मिला के लगभग 1.5 घंटे के वीडियो होंगे, तो आप आराम से देख सकते हैं उनको, प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको वही आपका माइंड जो है हार्ड क्वेश्चन के लिए या फिर जो किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उनके लिए पूरी तरह से ट्रेंड हो सके, तो ये आपको करना है। अब जो अभ्यर्थी सामाजिक के टीचर बनना चाहते हैं या हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं, उनके ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य हैं या एसएस के सब्जेक्ट हैं, उनको लैंग्वेज सेकंड के रूप में अनिवार्य रूप से संस्कृत का ही चयन करना, क्योंकि ये स्कोरिंग है, बस शर्त है आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा धाकड़ हो जाए तो ही इंग्लिश का चयन करें, अन्यथा संस्कृत का ही चयन करें। उनके लिए भी वही रूल हैं, 30 क्वेश्चन आएंगे संस्कृत में और 30 मार्क्स के होंगे। सबसे पहले आपको लक्ष्य गाइड जो है जो रिट के लिए आती है भाषा की, उसमें संस्कृत एज ए लैंग्वेज सेकेंड का जो सिलेबस है, जो चैप्टर्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और वो आपको करना है। उसके बाद वहीं उत्कर्ष के ऑनलाइन वीडियो सीरीज जो संस्कृत के लिए भी चली है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, उसको देखना है, बाद में देखना है, ताकि आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं उसका आइडिया लग जाता है आपके अच्छे।